वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल पुलिस ने जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतादिद कार्रवाईयों में 140 खतरनाक गैंग के 467 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। 48 मन चरस, 200 किलो अफ्यून और 41,500 लीटर शराब बरामद कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल पुलिस ने जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतादिद ये कार्रवाइयां की हैं और इन कार्रवाईयों के नतीजे में 140 खतरनाक गैंग के 467 मुलजिमान गिरफ्तार भी किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि 48 मन चरस, 200 किलो अफ्यून और 41,500 लीटर शराब बरामद कर ली गई है। क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा न्यूज वन आमिर सज्जाद से, जो इस वक्त डीपीओ मोहम्मद अली वसीम के साथ मौजूद है। आमिर सज्जाद बताएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल जहानिया समय, जिला खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनसे माल मसरूका भी बरामद किया गया। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मोहम्मद अली वसीम साहब मौजूद है, मजीद इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या तफसीलात है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने इस महीने मंशात फरोश और नजायज असलाह के खिलाफ हमने कम्पेन चलाई थी। 132 मुकदमात हमने 9C के दर्ज किए हैं, जिसमें हमने जो बड़े मुंशात फरोश हैं और उसके अलावा जो छोटे लेवल पे काम करते हैं उन पर हमने क्रैकडाउन किया, उनको गिरफ्तार किया, जिनसे लगभग 150 के करीब 150 किलो जो है वो चरस बरामद हुई है। इसी तरह हमने जो है वो जो इश्तियारी मुलजमान हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 155 इश्तियारी मुलजमान गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 21 जो हैं वो हीनस क्राइम के हैं। 6 गैंग्स इस महीने हमने बस्ट किए हैं, जिनसे 25 लाख से ज़्यादा उनसे माल मसरूका बरामद हुआ है, जो हमने मुतासरीन उनमें हमने तकसीम किया और इंशाल्लाह ताला जो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ वो जारी रहेंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मोहम्मद अली वसीम का यही कहना था कि जराइम पेशा जो गैंग हैं, 6 गैंग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके जो कब्जा है उससे माल मसरूका जो के जो मुतासरीन थे उनके हवाले भी किया गया। इनका यही कहना है कि जराइम पेशा जो अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी ठीक है आमिर सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम